दोस्तों, आज हम धनगरी जलप्रपात देखने जा रहे हैं। आपको तो पता होगा, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा एवं खूबसूरत झरनों में से एक। बोले बोले। समय आगे बढ़कर सहयोग दिया। हाँ जी हाँ, प्रकृति की हसीन वादियों में जब हम जाते हैं तो मन मयूर अनायास ही नाचने लगता है। कुछ ऐसा ही अलौकिक और मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। हम सब सभी साथी इतने उत्साहित हैं कि बस आहा जी हाँ। समेंद्र जी क्या से? क्या यार लोकेशन है। अरे बाबू मैम पत्थर में लगेगा। मैम देखिए पहले हो गया, फोटो नहीं खींच रहा हूँ ना। फटाफट फटाफट मैम, फोटो खींच रहे हैं, बताओ। दिस इज वीडियो। चलो वीडियो, चलो चलो आ जाओ। सर खुद फोटो खिंचवा लिए, जहाँ हमारे टर्न आई पहले फोटो खींचा के भी सबसे आगे रहते हैं। सर सर सर, अध्यक्ष सर, महोदय अध्यक्ष सर, मेरा बहुत हो गया। नहीं वीडियो है ना, वीडियो बना रहे। बिल्कुल सर। हाय हेलो हेलो, हाय सर। ट्रैकिंग से कम नहीं है सर। एडवेंचर ट्रैकिंग क्या बात है, और बड़ा अच्छा लग रहा है जब समय समय पर इस तरह के रोमांचक गतिविधि हम महाविद्यालयीन युवा व्याख्याताओं के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस इन यात्राओं में खो जाएं, क्योंकि इन यात्राओं में हमें बहुत कुछ सीखने का, समझने का और आत्मीय एहसास प्राप्त करने का अवसर मिलता है। एक दूसरे को जानने का, साहसिक आनंद लेने का। ये आनंद ऐसा लगता है कि बस लेते रहें और इसे सबके बीच बांटते रहें, क्योंकि यही जीवन है। चलते रहने का नाम ही जीवन है। जीवन है, जीवन है। चलिए देखते हैं कैसा सुनाई पड़ रहा है। पहुंच लो। बिल्कुल मैम। दोस्तों, धनगरी जलप्रपात लगभग हम पहुंच चुके हैं। अब हम इस नदी को पार करके जलप्रपात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं इस जलप्रपात के बारे में बताना चाहूँगा। यह धनगरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बगीचा विकास खंड के ग्राम सुलेसा व पंडरापाट के बीच घने जंगलों में स्थित है। इसको हम क्यों नहीं पढ़ते? इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें पता नहीं यार, लगभग 100 फीट है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। यह झरना घने जंगलों में है, इसलिए अभी भी गुमनाम है। क्या जबरदस्त है, लेकिन धूप मार रहा है सारा। यह झरना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा एवं खूबसूरत झरनों में से एक है। दोस्तों, धनगरी जलप्रपात जशपुर से ऊपर से ही देखना पड़ता ना, किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यूं तो धनगरी 12 मासी जलप्रपात है, लेकिन बारिश के समय इस जलप्रपात की खूबसूरती एवं रौद्र रूप देखने को मिलती है। यह एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट भी है। लोग यहाँ सुबह आते तो मजा आता ना यार, इधर धूप रहा था है ना, साथ ही साथ पिकनिक मनाने भी यहाँ वीडियो बनाना बना ही रहा हूँ, चल ही रहा है। आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे जलप्रपात की ओर पास पहुँच रहे हैं, झरने का बेहद खूबसूरत दृश्य है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं झरने उनका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आज का दिन भी कितना अच्छा है, सूरज निकला है और सूरज इस झरने के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए चारों ओर सूर्य अपनी किरणें बिखेर रही है और साथ ही साथ इस झरने की खूबसूरती को भी बढ़ रही है। तो आप इस झरने की खूबसूरती को देख कर इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे जगह में तो बनाने को मन करता है। नीचे से इस खूबसूरत झरने की खूबसूरती और इसके मनमोहक दृश्य का आनंद ले चुके हैं। अब हम गिरेगा तो नहीं है, ऊपर जाकर देखना चाहते हैं।
इस जर्नी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है। अरे ऊपर चढ़ रहे भाई, ऊपर से नीचे गिरती है इस जर्नी की रिक्सी जगह यार, ऊपर से कैसे दिखाई देता है। तो हम इस पहाड़ पे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, चढ़ने में काफी कठिनाई हो रही है क्योंकि एक तो बरसात है। अरे यार मैं आज लगाया भी नहीं, बताओ फिसलन हो रही है, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं चढ़ने की। चलिए हम चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक भी चुके हैं, फिर भी आज हम जरूर ऊपर तक पहुँचेंगे ही। हमारे बाकी दोस्त तो ऊपर पहुँच चुके हैं, तो हम भी धीरे ही चले लेकिन ऊपर जरूर पहुँचेंगे। आप देखिए पूरा थकवा दिया नज़ारे, घर में कैसे दिखाई दे रहा है बाकी ऊपर और अच्छी लगी है। गिर गए, आप देख सकते हैं बाकी हमारे दोस्त अपने झरने में कितने करीब पहुँच चुके हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं पास पहुँचने के लिए, सच बताऊँ मस्त थके हैं चुके हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती और ऐसा मनमोहक दृश्य के सामने हमारी थकावट दूर हो जा रही है। तो आप जो देख सकते हैं ऊपर से इस खूबसूरत झरने का नज़ारा कैसे दिखाई दे रहा है। एक तो आज मौसम अच्छा है, सांस भर गए इसकी वजह से हम यहाँ ऊपर चढ़ने में यहाँ की जो प्रति आसान लगा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से झरना कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका मनमोहर दृश्य अप्रतिम सब प्रतीत हो रहा है। हमारे कुछ दोस्त तो झरने के काफी करीब पहुंच गए हैं, वे वहां से ऊपर से नीचे गिरते हुए झरने की ऊंचाई को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि झरना कितनी ऊंचाई से कितनी स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों देखिए ऊपर से इस झरने का नज़ारा कितना अच्छा लगा है। चलो अब प्रतिम स्नान करके लुत्फ उठा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी में तैर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों इन्हें नहाते हुए देख कर तो हमें भी नहाने का मन कर रहा है, लेकिन बस बस हो गया पानी में देख सकते हैं कि हमारे नज़ारे के साथ बाकी लोगों को देख सकते हैं वीडियो बन रही ना, तो ये चाहिए वीडियो बन रही। दोस्तों आज का हमारा सफर खत्म हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं। हम थोड़ी देर रास्ते में रुके हैं, थोड़ा डांस करके एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ हमारे डांस का एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों आपको धनगरी जलप्रपात का यह मनोरम दृश्य कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।